नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ श्री शुक्ला। आज 26 जुलाई है। आज ही के दिन 21 साल पहले सन 1999 को कारगिल युद्ध में भारत की विजय हुई थी। आज हम आपको कारगिल युद्ध में अदम साहस का परिचय देने वाले सैनिकों के बारे में बताएंगे जो भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल वार के पहले शहीद पहले हीरो जिनके बलिदान से कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई। महज 22 साल की आयु में 22 दिनों तक दुश्मन उन्हें दर्द देता रहा। आज भी सौरभ कालिया के परिवारजनों को इंसाफ नहीं मिला। पाकिस्तानियों ने सौरभ और उनके साथियों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। पाकिस्तान में सारी हदें पार करते हुए उनकी आंखें तक निकाल ली, उन्हें गोली मार दी थी। दिसंबर 1998 में ट्रेनिंग के बाद फरवरी 1999 में उनकी पहली पोस्टिंग कारगिल में चार जाट रेजिमेंट में हुई थी। जब मौत की खबर आई तो पूरे भारत में क्रोध की लहर थी। 4 महीने ही हुए थे सेना ज्वाइन किए। सौरभ कालिया और उनकी साथी को पाकिस्तानी सेना ने बंदी बना लिया था। उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून जिनेवा कन्वेंशन का भी उल्लंघन किया, लेकिन पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, सौरभ कालिया और उनके साथियों को कोई पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया? क्या तेस्त्रों की जगह 22 टीम टॉर्चर होना वीरता नहीं है? विक्रम बत्रा का जन्म हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। 1996 में विक्रम ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला लिया। 6 दिसंबर 1997 को कैप्टन बत्रा जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में शामिल हुए। जून 1999 को कैप्टन बत्रा कारगिल के 0.5140 से दुश्मनों को खदेड़ने के लिए अभियान छेड़ा। कई घंटों की गोलीबारी के बाद सुबह 3:30 पर अपने मिशन में कामयाब हो गए। इसके बाद जोशी ऑन द रेडियो सेट आफ्टर द अनदर मंकर वाज कैप्चर्ड द माय कंपनीज सक्सेस इन लॉज ये दिल मांगे मोर। 7 जुलाई 1999 को मिशन पूरा होने वाला था कि उनके जूनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट नवीन के पास एक विस्फोटक था। इसमें नवीन के दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए। कैप्टन बत्रा नवीन को बचाने के लिए पीछे घसीटने लगे, तभी उनकी छाती पर गोली लग गई और कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा को अदम्य साहस के लिए भारत सरकार की तरफ से परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 7 जुलाई कैप्टन मनोज पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ था। मनोज पांडे कारगिल युद्ध में गोरखा रेजिमेंट के कैप्टन थे। मनोज पांडे को कारगिल की अहम चौकी फतेह करने की जिम्मेदारी दी गई। इसी रेजिमेंट पे उनकी कंपनी कुछ ही दिन पहले सियाचिन से होकर आई थी। छुट्टी पर जाने के बजाय मनोज पांडे की पलटन ने युद्ध भूमि में जाने का फैसला लिया। कैप्टन मनोज पांडे को कारगिल युद्ध में खालुबार फतेह करने की जिम्मेदारी दी गई। कैप्टन मनोज पांडे और उनके साथी कारगिल में दुश्मनों को खदेड़ दिया। खालुबार में पाकिस्तानी घुसपैठिए लगातार भारतीय सैनिकों को निशाना बनाकर गोलीबारी करते थे। इसी बीच कैप्टन मनोज पांडे और उनके साथी 2 और 3 जुलाई की रात खालुबार फतेह करने के लिए निकल पड़े। इसी बीच पाकिस्तानी बंकरों में से फायरिंग होना शुरू हो गई, जिसमें अनेकों सैनिक शहीद हो गए। गोलियों से छलनी होने के बावजूद कैप्टन पांडे 4 चौकियों को तबाह कर दिया। अंत में मनोज पांडे के सिर पर गोली लग गई और कैप्टन मनोज पांडे शहीद हो गए और खालुबार टॉप पर तिरंगा लहने लगा। मनोज पांडे को भारत सरकार की तरफ से कारगिल युद्ध के एक ऐसे भी सैनिक हैं जिन्होंने इतनी छोटी सी आयु में इतना बड़ा काम कर दिखाया है। महज 19 साल की आयु में 25 साल का सर्विस एक्सपीरियंस, ना उम्र का तजुर्बा ना सर्विस का ज्यादा अनुभव, सामने 17,000 फीट ऊंची टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य। बुलंदशहर के रहने वाले ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने 17 गोलियां खाई फिर भी हार नहीं मानी। आज 22 साल पहले इसी दिन योगेंद्र सिंह यादव ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया था। उन्हें इस बहादुरी के लिए परम वीर चक्र से नवाजा गया था। ये एक ऐसे पहले जवान हैं जिन्होंने जीवित परम वीर चक्र से
सम्मान दिया गया। सबसे पहले मैं शहीद के परिवार जनों के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स को टाइगर हिल टॉप को कैप्चर करने का आदेश मिला था। सुबह का वक्त था, एक दूसरे का साथ रस्सियों के सहारे हम ऊपर की तरफ चल रहे थे, तभी दुश्मन ने दोनों तरफ से फायरिंग खोल दिया। केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। ऊपर चढ़े तो सामने दुश्मन के 2 बंकर 7 जवानों ने जाकर के अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया और धीरे धीरे करके मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। 3 बार गोलियां मारी और तीसरी बार जब गोली मारी तो उसने सीने पर भी गोली चला दी। यहां पर भी पर्स रखा था, पर्स में भी 5-5 रुपए के कुछ सिक्के पड़े हुए थे। जब गोली लग गई तो जाकर के सिक्कों पर लगी। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके ऊपर फेंक दिया तो कोट के अंदर जो हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर ग्रेनेड गिरा। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया और यहां से उसका पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर के गिर गया। एक हाथ से राइफल उठाया, वहां से फायरिंग किया, इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तो उनको लगा कि हाँ नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है और वहां से वो भाग खड़े हुए। मैं युवा पीढ़ी से मैं भी यही अपील करता हूं कि सब कुछ बनने से पहले एक सच्चा हिंदुस्तानी बन जाना। जय हिंद, जय भारत।